तो गाइस आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं माइनक्राफ्ट मॉब्स की कुछ रियल लाइफ इमेजेस जो कैमरे से खींची गई हैं। और सही में भाई जितने क्यूट मॉब्स ये जो है माइनक्राफ्ट में लगते हैं उतने ही ज्यादा क्रीपी ये लोग रियल लाइफ में लगते हैं। तो गाइस आज की वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों को बहुत सारे माइनक्राफ्ट के रियल लाइफ फोटोज दिखाने वाला हूं और साथ ही साथ एंड में आपको हीरो मैन की रियल लाइफ इमेज दिखेगी। एंड या एक लास्ट में मिस्ट्री इमेज भी है जो कि वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगी। और भाई ये सही में जो लास्ट वाली मिस्ट्री इमेज है ना इसे देखने के बाद आप सबके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। और या इसी के साथ बिना किसी देर के आज की वीडियो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ओके तो मैं आ चुका हूं यहां पर हमारे बहुत सारे इमेजेस के पास में। ये देखो भाई लाइन से लग रखी है। अरे वाह भाई कितनी इमेजेस है 10 आई थिंक। और देखा जाए तो हमारी सबसे पहली इमेज निकल के आती है यहाँ पर एक एक्सलोटल की। तो बेसिकली एक्सलोटल एक नया मॉब आया माइनक्राफ्ट के अंदर पानी वाला। तो हमें बेसिकली करना क्या पड़ेगा यहाँ पर लिखे होंगे कुछ आइटम्स हमें जो है उन्हें लाना पड़ेगा वर्ल्ड में से कहीं ढूंढ के और इस हॉपर के अंदर ड्रॉप करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसके अंदर ड्रॉप करूंगा वैसे ये जो इमेज है ना वो रियल लाइफ की बन जाएगी। ओके तो भाई आगे मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा लेकिन इसके बाद आएगी हमारी पिक की इमेज और फिर आएगी हमारे स्पाइडर की इमेज, आगे आएगी घास की इमेज, उसके बाद क्रीपर की इमेज। ओ भाई विदर्ड स्केलेटन भी है भाई मैं तो इसे जरूर से देखना चाहूंगा। ओ भाई ब्लड बॉर्डर, तो मतलब इसमें माइनक्राफ्ट के कुछ मिथिकल मॉब्स भी आने वाले हैं। एंड आयरन गोलम है एंड हीरो ब्राइन। ओ भाई ये तो भाई मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा। एंड लास्ट में आने वाला हमारा मिस्ट्री वाला कुछ पता नहीं भाई मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो इस सब को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम लोग जो है पहली इमेज से स्टार्ट करते हैं और इसके लिए मेरे को चाहिए होगा वाटर बकेट और कैल्प। तो कैल्प बेसिकली मेरे को आसपास के किसी सी एरिया से मिल जाएगी, ये सी नहीं है। और वाटर बकेट तो भाई मेरे को ऐसी मिल सकती है। यहाँ पर एक आयरन गोलम है क्या? ओके पूरा विलेज ही खाली डाला हुआ है, बहुत सही। ओके तो यहाँ पर एक आयरन गोलम समझ लूंगा। तो मेरे को भाई अपनी स्ट्रैटेजी तुम लोग को पता ही होगी भाई क्या करनी है, इविल स्ट्रैटेजी हमारी। ओ आयरन गोलम ये ले। ओके ओ नो 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 नो, अरे भाई मार क्यों रहे हो यार? अरे हमारे आयरन गोलम के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए ऑलराइट ये ले ये ले। ओ नो ओ नो, अरे तो प्लान फेल हो गया रे। नहीं नहीं नहीं, अरे तो पास ही आ रहा, रुको। ओके ओ यहाँ पर एक और आयरन गोलम है। ओके नाइस भाई हमारा तो जुगाड़ हो चुका है। ओके ओके आ जा। ओ ओ एक ही हिट के अंदर गया भाई। ऑलराइट मेरे को एक ही आयरन गोलम में काम हो गया, दूसरे वाले को मारना नहीं पड़ा। तेरे को छोड़ दिया मैंने, समझ में आया? छोड़ दिया मैंने तेरे को। अब यहाँ पे मेरे को क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। ओके बस एक ब्लॉक यहाँ से चुरा लेता हूँ मैं। वाटर बकेट लेट्स गो। और ये लिया हमने पानी, नाइस भाई इतना तो काम हो गया हमसे। अब हम लोग को जाना पड़ेगा समुद्र की तरफ। तो जल्दी से यहाँ पे मैं ना अपनी एक बोट बनाता हूँ और चलते हैं भाई। कुछ ना कुछ सी कैल्प वगैरह लेके आनी पड़ेगी हमें सबसे पहले। तो आई थिंक भाई हम लोग को यहाँ पे रखनी चाहिए ये और चलते हैं भाई। यूहू, मेरे को सही में कोई आइडिया नहीं है ओशन यहाँ से कितना दूर है लेकिन देखते हैं। बाकी कोऑर्डिनेट्स तो मेरे को याद ही हैं। और यहाँ पर ऐसे ही देखते देखते हम लोग आ चुके हैं ओशन के अंदर। तुम लोग सोच रहे हो कैल्प क्या है? तो बेसिकली मैं जाता हूँ पानी के नीचे और ये जो तुम देख रहे हो ना ये ही है कैल्प। बेसिकली मेरे को यही चाहिए था। ओके तो ये मिल गई मेरे को कैल्प। और अब हम चलते हैं वापस हमारी लोकेशन पर, ज्यादा दूर नहीं थी जगह, आई थिंक 100 ब्लॉक से दूर थी। ओके तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पर हमें डालनी है एक कैल्प और साथ ही साथ एक वाटर बकेट एंड लेट्स गो। ओ भाई लेट्स गो, हम लोग का एक्सेलेरेटर देखो भाई रियल में ऐसा दिखता है। देखो कितना ज्यादा अजीब है, पहले ठीक लग रहा था लेकिन अब थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। बट एनीवेज हमारे पास अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं क्योंकि अभी हमें 9 और मॉब्स की जो है रियल लाइफ इमेजेस देखनी है। लेकिन उससे पहले ये हैं शॉर्ट्स मेरी पिछली वीडियो के। तो भाई आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट दिखाने के लिए, ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखना। बाकी अगर आपको भी शॉर्ट्स चाहिए ऐसे तो फिर अभी के लिए आप लिख सकते हैं कमेंट के अंदर पैलेस ओपी। एंड आपको भी अगली वीडियो में हार्ट या फिर शॉर्ट आउट मिल सकता है। एंड बाकी अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा हो तो फिर भाई अभी के भी लाइक करो क्योंकि 5000 लाइक के बाद इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। एनीवेज पिक के लिए क्या चाहिए हमें? पोर्क चॉप। ओके पोर्क चॉप तो मैं यूज ले आऊंगा। ओ हाँ मैंने एक चीज तो तुम लोग को बताई नहीं। वेल जब भी हम ऐसे किसी मॉब की जो है पेंटिंग अनलॉक करेंगे तो हम उसके पास उसकी जो है पावर्स भी ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक्सलोटल की जो है इमेज अनलॉक की तो फिर मैं बन सकता हूँ एक्सलोटल। ओ थोड़ा ज्यादा बढ़िया वाला। अरे भाई यार चैड एक्सलोटल है भाई ये तो। एंड छोटा वाला एक्सलोटल भी बन सकता हूँ। बेसिकली मेरे पास उसकी जितनी भी है पावर सारी सारी आ जाती है। वेल एनीवेज हमारा चैड एक्सलोटल जा रहा है पिक को ढूंढने। लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पे मैं थोड़ा आयरन गोलम को बुली कर लेता हूँ, कहाँ गया। पहले जब मैं नॉर्मल साइज का था तब तो मेरे ऊपर बहुत दादागिरी करता था, अब उसे दिखाता हूँ भाई मेरी पावर कितनी बढ़ चुकी है। ओके तो मैं अपने कुछ अटैक्स इसके ऊपर करके देखता हूँ। पहला अटैक है मेरा डिजास्टर्स टाइट्स। ओके ओके सो इससे थोड़ा बहुत कुछ लेविटेशन हुआ लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ओके अब म्यूटेंट एक्सेलरेटर बनने का, आई थिंक मेरे और अटैक्स अनलॉक हो जाते हैं। एंड ये है मेरा फिश अटैक। ओके सो इनका भी कुछ कूल डाउन होता है तो ये ले। ओ मैंने मछली फेंक दी थी इसके ऊपर, सो मैं इसका भी कुछ एक एडवांस टाइप में अटैक कर सकता हूँ, वो है डेथ स्वॉर्म। तो ये ले। ओके सर इस पर बहुत सारी मछलियाँ छोड़ दी। एंड भाई अब हमारे आयरन गोलम को, अरे भाई मार लिया उसे ढंग से। ओके आयरन गोलम का नामो निशान मिट गया। लेकिन हम करने के आए थे यहाँ पर, ओ हाँ पिग्गी को ढूंढने। सॉरी पिग्गी मैं ये करना तो नहीं चाहता था लेकिन मेरे को तो मैं फिश का खाना बनाना पड़ेगा। ये ले
बेचारा भाई। ओके सो फाइनली अब हम लोग को जो है पोक जॉब मिल चुका है एंड अब देखते हैं हम पिक की रियल लाइफ इमेज कैसी है। एक तो इतना दूर चल के आना पड़ता है, इससे बड़ी टेलीपोर्ट का कुछ पावर मिल जाए, वेल आई डोंट नो, क्या पता कोई दे भी सकता है। एंड ये रही हमारी पिक की इमेज एंड ये ले। ओ भाई कितनी ज्यादा कर्स्ड इमेज है ये, शिट भाई। तुम्हें लग भी रहा है कि ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट का पिक है भाई, माइनक्राफ्ट का पिक है तो हो सकता है रियल लाइफ में थोड़ा अजीब ही लगे, लेकिन भाई इतना ज्यादा क्रीपी तो नहीं सोचा था मैंने। तो इससे हम लोग सोच सकते हैं भाई आगे आने वाले जो मॉब जो एक्चुअली में क्रीपी लगते हैं वो आखिर कितने क्रीपी होंगे। ओके एनीवेज अब हम लोग चलते हैं हमारे स्पाइडर के लिए, और इसके लिए मेरे को लगेंगे 3 स्प्रिंग्स एंड एक स्पाइडर आई भी। ऑलराइट ये तो मैं कर सकता हूँ आराम से, बस इसके लिए मेरे को कहीं पे माइनशाफ्ट ढूंढनी पड़ेगी जो कि मेरे को नहीं पता कहाँ है। बट एक मिनट, मैंने आई थिंक पिक की पावर जो है अनलॉक कर ली है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ इसका पावर क्या है। ओ भाई मैं तो पिक बन चुका हूँ। ओ भाई मैं कितना छोटा हो गया हूँ एंड मैं पानी के अंदर भी, ओके मैं पानी के अंदर तैर सकता हूँ एक पिक बन के, और मेरी हाइट भी छोटी है तो मतलब मैं छोटे ब्लॉक्स में भी फिट आ सकता हूँ शायद से। अरे घुस जा। लेकिन मैं सही में इस पावर का करूंगा क्या? ओके भाई नॉर्मली बन जाता हूँ, हाँ ऐसे ज्यादा अच्छा है। हाँ तो मैं क्या करने जा रहा था, चलो भाई कोई माइनशाफ्ट ढूंढ के आते हैं। तो वैसे मैंने एक और पावर तुम लोग को एक्सलोटल की बताई नहीं कि मैं जो है ब्लॉक्स के अंदर भी आ सकता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा छोटा अपना साइज कर सकता हूँ। तो एक मिनट मैं भी तुम लोग को दिखाता हूँ, ये देखो। तो यस गाइस मैं बिल्कुल एक स्पेक्टेटर की तरह जा सकता हूँ हमारे लैंड के अंदर और ढूंढ सकता हूँ यहाँ पे माइनशाफ्ट पर आराम से। ऑलराइट तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं जल्दी से एक माइनशाफ्ट ढूंढूंगा, और यहाँ पे मेरे को पानी से बचना पड़ेगा, नहीं तो पानी के अंदर अगर मैं चला गया तो फिर ओ नो मैं ज्यादा देर तक नीचे नहीं रह सकता। शिट हाँ ओके ऊपर भी आना पड़ता है, तो ये एबिलिटी उतनी भी ज्यादा ओवर पावर नहीं है लेकिन माइनशाफ्ट ढूंढने मेरी हेल्प कर सकती है। ओ यहाँ पर कहीं, एक मिनट वेट अ मिनट, ओ माइनशाफ्ट मिल चुकी है, लेट्स गो। ऑलराइट तो हम आ चुके हैं एक माइनशाफ्ट, अरे नहीं तो हम लोग आ चुके हैं हमारे माइनशाफ्ट के अंदर, लेट्स गो। थोड़ा सा उजाला भी जरूरी है हमारे लिए, एंड यहाँ पर अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा एक स्पाइडर स्पॉनर। बाकी यहाँ पे स्ट्रिंग्स का जुगाड़ तो हो ही रखा है क्योंकि हमारे पास में एक स्वॉर्ड है वुडन वाली, एंड यहाँ पर हम लोग जो है आराम से स्ट्रिंग्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ओ वाह यहाँ पे आयरन भी है बहुत सारा, तो हम लोगों ने जो है 4 स्ट्रिंग्स कर ली है, जितनी हमें चाहिए थी उससे एक ज्यादा। बस यहाँ पे मेरे को एक स्पॉनर मिल जाए तो सही रहेगा। ओके मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, बस पानी से बच के रहना है मेरे को। यहाँ पे आसपास कहीं स्पाइडर्स की आवाज तो आ रही हो, नो मेरी टॉर्च रह गई। ओके ये रही स्पाइडर स्पॉनर, नाइस तुम लोग मर सकते हो आराम से। अरे यार मैं अपने साथ वुडन एक्स क्यों लाया मेरे को खुद नहीं पता, इन्हें बस तब तक मारा जब तक अपनी आई ड्रॉप ना कर दें। ये ले और अभी तक आई का नाम निशान नहीं है। आई थिंक एक मिनट मैं अपनी यहाँ पे एक स्पेशल वाली पावर भी तुम लोग को दिखा देता हूँ ना साथ ही साथ। ओके सो अब मैं जो अपनी पूरी पोटेंशियल पे आ जाऊंगा इसे करने बाद, एंड मैंने अपना डोमेन एक्सपेंशन अनलॉक कर लिया है। ओके सो अभी तुम लोग को दिखाता हूँ अपनी एक्सलोटल वाली फुल पोटेंशियल पावर। ऑलराइट तो आई थिंक मैं इसे एक बार ही कर सकता हूँ, तो ऑलराइट ये लो। ओके सो मैंने इस पूरे एरिया को बना दिया हमारा, ऑलराइट नाइस बहुत सही। तो बेसिकली ये मैंने एक एरिया बना दिया और इसमें जितने भी स्पाइडर स्पॉन होते रहेंगे वो ऑटोमेटिक मरते जाएंगे, और इसकी कुछ टाइम लिमिट है तो जल्दी एंड ओ नो नॉर्मल हो गया सब कुछ। ओ और मैं ऊपर आ चुका हूँ, बहुत सही। और देखो तो गाइस मेरे को यहाँ पे मिल चुकी एक स्पाइडर आए, तो यार अब हम लोग जा सकते हैं वापस एंड अब हम लोग देख सकते हैं हमारे स्पाइडर की रियल लाइफ इमेज। तो यार चलो चलते हैं। ओके तो मैं आ चुका हूँ वापस, और यहाँ पे हमें ड्रॉप करने 3 स्ट्रिंग्स। ओके 3 डाल दी मैंने यहाँ पर एंड 1 डालते हैं स्पाइडर आए, देखते हैं इस इमेज का क्या होता है। ओ कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है इमेज, और ज्यादा क्लियर भी नहीं है, लेकिन एक स्पाइडर है जो कि बहुत ज्यादा अजीब सी लग रही है देखने में। भाई सब कितनी क्रीपी है ये, बट रियली नाइस भाई, रियली नाइस। और साथ ही साथ मेरे पास आ चुके होंगे कुछ ना कुछ स्पाइडर एबिलिटीज भी जो कि मैं तुम लोग को आगे दिखाऊंगा, क्योंकि अब हम लोग को जाना है कलेक्ट करने घास टीयर। ओके ज्यादा कुछ मुश्किल डील नहीं होगी, लेकिन मेरे को सबसे पहले अपने एक्सेलरेटर पावर्स का यूज करना पड़ेगा। और अब हम लोग जाएंगे नीचे माइनिंग करने, मैं ऐसे करते करते कहीं से डायमंड का जुगाड़ करता हूँ। डायमंड्स यहाँ पे आयरन दिख रहा है मेरे को, डायमंड्स नहीं दिख रहे, डायमंड्स के लिए नीचे जाना पड़ता है। ओ मेरे को लगा डायमंड्स है वो। ऑलराइट ओके हवा खत्म। ओ यहाँ पर कुछ है, ओ नो ये नहीं होना था। ओके कुछ डीमेरिट्स भी है इस पावर के, अरे बस कर दो। तो ये तो शॉर्टकट है भाई मेरे लिए डायमंड्स ढूंढने का। अभी मैं लेवल 20 पे, आई थिंक लेवल 12 के आसपास कहीं मिलते हैं डायमंड्स, ये परफेक्ट जगह लग रही है मेरे को, थोड़ा और नीचे चलते हैं। नाइस ओके भाई लावा से बच के रहना पड़ेगा, अभी सीधे लावा में गिरता जाके, और यहाँ पर तो और लावा है। मैंने कहीं पे सुना था कि भाई 12% जो डायमंड्स होते हैं लावा के नीचे ही मिलते हैं, तो एक काम करते हैं ये भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। एंड नहीं यहाँ पे मेरे को कहीं पे भी लावा नहीं दिख रहा, इतना बढ़िया चीट मिल चुका है मेरे को, फिर भी डायमंड्स नहीं है कहीं पे भी। ओ अरे मिल गए रे डायमंड्स, मिल गए, देखने कितने, 1 2 3, बस 3 ही है, वेल इतनी काफ़ी है मेरे लिए, नाइस लेट्स गो। चलो भाई यहाँ पे थोड़ी सी क्राफ्टिंग करते हैं, यहाँ लगाई हमने स्टेक, और ये लो भाई डायमंड पिकैक्स, नाइस लेट्स गो।
अब हम लोग को बेसिकली बस जाना है और थोड़े बहुत ऑक्सीडियन कलेक्ट करना है भाई। सीरियसली लावा ढूंढना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस नीचे आना। ये देखो भाई लावा, कितना लावा चाहिए भाई? इनफाइनाइट लावा मैं ला सकता हूँ कसम से। ओके मैं बकेट्स भी लाया हूँ अपने साथ बहुत सारी, पूरा लावा ले जाऊंगा अपने साथ में, बस इन्वेंट्री में जगह ना खत्म हो जाए। जितना भी फालतू का सामान है वो सब हम फेंक सकते हैं यहाँ पर। बस भाई हो गया पूरा लावा का जुगाड़। ओके तो चलो आ चुके हम सरफेस पे। अब यहाँ पर हम लोग को बनाना है एक नेदर पोर्टल हमारे लिए। तो ये लो भाई लावा बकेट यहाँ पे रख देते हैं बहुत सारी। ओके सो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं तुम लोग को तब मिलूंगा जब मैं पूरा एक नेदर पोर्टल बना लूंगा। ओके सो मैं अपने स्पॉन के पास ही बनाता हूँ हमारा पोर्टल, बिकॉज वाई नॉट। आई थिंक ये कम्प्लीट हो चुका है, बड़ा भाई थिक बना दिया मैंने, पर कोई बात नहीं। अब हम लोग जो है सिलेक्ट करते हैं एंड चलते हैं हम लोग नेदर के अंदर, लेट्स गो। तो ये रहा हमारा ब्रांड न्यू नेदर वर्ल्ड। अब इसके अंदर हमें घास को ढूंढना है और से बस बीट करना भाई, बस लावा के ऊपर ना समन हो। और हाँ मैं बाकी तुम लोग को बता रहा था कि मैं एक जायंट स्पाइडर भी बन सकता हूँ या तो। ओके ये बन चुका हूँ स्पाइडर और ये बन चुका हूँ मैं जायंट। व्हाट? ओके थोड़े से टेक्सचर खराब है लेकिन वेल ऐसे भी सही है, नॉर्मली साइज सही है मेरे लिए। तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि मेरी जो अंडरग्राउंड जाने वाली टेक्निक है वो इस नेदर के अंदर तो काम में नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो है पूरा ओपन एरिया है, मैं यहाँ से जाऊँगा कहाँ पे? बट वेल मैं अपनी स्पाइडर एबिलिटीज का यूज करके मैं हवा में तक कूद सकता हूँ यार। फॉर सम रीजन मैं ऐसे पता नहीं कौन सा ग्लिच कर सकता हूँ, आई डोंट नो, आई थिंक ये कोई ग्लिच है मेरी पावर्स में, लेकिन ये मेरे काम में आ रहा है तो क्या ही दिक्कत है। ऑलराइट सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, लेट्स गो। और हम जो है हमारी हंट जो है चालू करते हैं। यहाँ पे मेरे को पानी के अंदर थोड़ी बहुत तो और मॉब्स दिख रहे हैं। ओके सो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मेरे को अभी तक कोई भी घास नहीं मिला है। ओके मेरे को यहाँ पे कहीं घास की आवाज आई है, आई थिंक यहाँ कहीं से। ओ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये थोड़ा सा सेफ जगह पे आ जाए, सेफ जगह पे आ जाए बस। ओके सो इन छोटे मोटे पिद्दी अटैक से तो मेरे को कुछ भी नहीं होने वाला है। ये ले, ओके मिस हो गया। थोड़ा सही जगह पे आते हैं। ओके ये जगह सही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंड है, तो अगर घास के गिरेगा अभी तो यहीं कहीं ड्रॉप हो जाएगा। हाँ अब आई थिंक मैं इसके हिट बॉक्सेस देख सकता हूँ, छोटे मोटे अटैक्स तो मैं इसमें मार ही सकता हूँ। एंड एक अटैक में चली गई, व्हाट द हेल। और घास टियर भी बहुत सही, कोई बात नहीं भाई हम और ढूंढ लेंगे। लकीली यहाँ पर एक और घास समन हो चुकी है एंड मैं इसके हिट बॉक्सेस देखते देखते इस पर अटैक करूंगा। ओके थोड़ा इसके आस पास ही उड़ेंगे एंड ये ले, ओ मिस कर दिया, ये ले एंड फाइनली मार दिया। घास टियर कहाँ है, घास टियर कहाँ है? और इसने घास टियर ड्रॉप नहीं किया, मेरी किस्मत भी ना कसम से। ओके किस्मत ने एक और चांस दिया है, इस बार मैं इसके ऊपर अपना स्पेशल वाला अटैक मारूंगा, लेकिन इसमें बिल्डअप होने में थोड़ा टाइम लगता है। और सो ये था मेरा स्पेशल अटैक, यस। और देखो तो गाइस यहाँ पे मैंने इतना बढ़िया अटैक किया कि यहाँ पर लावा निकलने लग गया है। तो ये वाला अटैक मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था जिससे मैंने उसे मारा है। एंड यार अब चलते हैं वापस से हम लोग अपने पोर्टल पे एंड तब जाके हम इस घास टियर को यूज करके देखेंगे एंड देखते हमारे घास की रियल लाइफ फोटो। ओके सब हम लोग आ चुके हैं ओवरवर्ल्ड के अंदर। अब हम लोग जो है हिट बॉक्सेस को बंद कर लेते हैं और यहाँ पर हमें डालना है घास टियर। ये लो बहुत इजी था, इजी पीजी। और ये रहा हमारा घास, कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है ये देखने में। अच्छा वो ये वाला घास मेरे को नहीं मिला, नहीं तो भाई मैं डर के मैं वहीं मर जाता। बट कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग के पास में जो है घास वाली पावर्स भी आ जाने वाली हैं और आई थिंक मैं खुद एक घास में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। ओके सो मैं घास में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ एंड पूरा एफ ओ भी बढ़ाने का, यस अब मैं देख सकता हूँ खुद को फाइनली सर्वाइवल में रह के भी उड़ सकता हूँ, ये लेट्स गो। वेल अब तो किसी मॉब का चांस ही नहीं मेरे को हरा पाने का एंड मैं नॉर्मली भी घास की पावर यूज कर सकता हूँ। या ओके अब मैं जो है नॉर्मल उड़ पा रहा हूँ एंड उड़ते उड़ते जो है घास की पावर यूज कर पा रहा हूँ। देखो भाई मेरे पैरों को क्या हो गया। एंड देखते हैं अब हम लोग को क्रीपर की जो है इमेज चाहिए, तो हमें लगेगा 5 गन पाउडर, जिसके लिए मेरे को जो है बहुत सारे क्रीपर्स को हराना पड़ेगा। तो चलो भाई यहाँ पे उड़ते उड़ते मैं ढूंढता हूँ मैं किसी क्रीपर को एंड या जब कोई क्रीपर मिलेगा वैसे मैं तुम लोग को बता दूंगा। ओह भाई ये कौन सी चीज है? ओ वेट अ मिनट, ओ इसने छोटे छोटे क्रीपर्स भी समन कर रहा है। ओके तो आई थिंक ये म्यूटेंट क्रीपर है। सो भाई बहुत सही, इससे मारने का तो मेरे को बहुत सारे गन पाउडर मिल सकता है गारंटीड भाई। तो एक काम करता हूँ मैं जल्दी नीचे आता हूँ और इसके ऊपर जो है हमारे फायर पावर्स यूज करता हूँ जो मैंने घास से सीखी है। ऑलराइट ये ले। ओके पानी से दूर, पानी में जो पावर जो है काम करनी बंद कर जाती क्योंकि मैं फायर का बना हुआ हूँ। ओके ये ले मेरे फायर बॉल्स। ओके इसके छोटे मोटे क्रीपर्स को तो मैंने मार दिया एंड ये भी जो है नॉर्मल क्रीपर जितना फटते हैं। सो मेरी एक फायर स्लैश के अंदर ये सब गए एंड कहाँ खड़ा हुआ है ये? मैंने किया मैं तो सही में डर ही गया था। ओके सो ये इधर ही आ रहा है। यो भाई साहब मेरी पूरी फायर पावर्स अनलॉक हो चुकी है, रुको अभी तेरे को बताता हूँ मैं। ऑलराइट म्यूटेंट क्रीपर तू तो गया, ये ले। ओके ओके सो अब ये बढ़ाता जा रहा है पता नहीं क्यों, इधर आ रहा है। ओके ओके इधर आ, इधर आ, इधर आ, ये ले। अरे लड़ेगा नहीं क्या? ऑलराइट तो अब आई थिंक इसे गुस्सा आ रहा है एंड इसके छोटे मोटे नमूनों को पहले मैं एक ही पंच के अंदर मार सकता हूँ। ये ले ये ले ये ले। ओके ये ले मेरे फायर और इसे थोड़ा बहुत फायर से डैमेज तो मिल रहा होगा लेकिन मैं बच गया। ओके डॉज एंड इसके जो अटैक्स हैं भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है। रुको मैं उड़ता हूँ दोबारा से अपना अटैक करता हूँ एंड ऑलराइट। ओ भाई साहब
आर यू किडिंग मी भाई, ये इससे भी सरवाइव कर गया? ओ नो, मेरी जितनी भी टैक्सेस के आर पार क्यों जा रहे हैं? पिद्दी लोग मेरे पे कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लो पहले आग में जलो तुम सबके सब। ऑलराइट, तो ये रहा भाई मेरा स्पेशल आग का गोला। ओके, इसके ऊपर मैं मारूंगा। रुक जा, वहीं पे खड़ा रही हो, वहीं पे खड़ा रहना। ये ले। ओके, ऑलराइट, तो अभी पानी के नीचे कूद रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अरे हवा में अपने बच्चे फेंक रहा है मेरे ऊपर। ओके, सो इस वाले अटैक का भी इस पे कुछ खास असर नहीं हो रहा और ये और पानी में जाता जा रहा है। रुको। ओके, ये ले मेरा स्पेशल फायर। ऑलराइट, दोबारा से मैंने अपना स्पेशल अटैक मारा इसके ऊपर। अब तो ये बिल्कुल मैं गड्ढे में फंस चुका है, अब तो इसे कोई बचा ही नहीं सकता सही में। ऑलराइट, फिर से आग का गोला खाने के लिए तैयार हो जाए। एंड इसके वो अब मैं समझा भाई, इसके छोटे मोटे नमूने जो है इसे हील कर रहे हैं, तभी बच रहा है भाई इतना ज्यादा। रुको, क्यों रे, मेरे से बचेगा? रुक जा, इसे और बताता हूँ अभी मैं। ओ, मर गया आई थिंक ये। नाइस, लेट्स गो। वेल, इस म्यूटेंट क्रीपर को मानकर मेरी जो फायर पावर्स हैं वो और ज्यादा खतरनाक हो चुकी होंगी। एंड बाकी यहाँ पर पानी के अंदर मेरे को गन पाउडर ढूंढना पड़ेगा इसका। अरे छोटे बच्चों, ओके इसे निकालते हैं। एंड ये देखो भाई, गन पाउडर मिल गया बहुत सारा। ओके, चलो भाई चलते हैं सरफेस के ऊपर। आई थिंक मेरा घर इसी डायरेक्शन में, और भाई हम आ चुके हैं वापस से। 5 गन पाउडर बोला तो मैं 6 लेके आया हूँ। लो देखा हो मेरे को क्रीपर की असली इमेज, ये लो। ओहो भाई, क्या ओ भाई, कैसा छिपकली से लग रहा है हमारा क्रीपर भाई, कितना अजीब सा लग रहा है। छी, तो भाई मैं क्रीपर जो है असली में कुछ ऐसा लगेगा। एंड ये देखो भाई, कितना गंदा सा लग रहा है क्रीपर भाई। सही में भाई, जितना क्रीपी भाई ये जो है गेम में लगता है, जितना अनोइंग गेम में लगता है, उतना ही लग रहा है रियल लाइफ में भी है। तो अब मेरी जो है फायर पावर्स और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास जो है क्रीपर की एक्सप्लोसिव्स वाली पावर्स भी आ चुकी है। एंड अब हम लोग को देखना है हमारे विजर्ड स्केलेटन के पास जाके। एंड अब मेरे को कलेक्ट करना है हमारा विजर्ड स्केलेटन स्कल, जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है। आई थिंक माइनक्राफ्ट की सब ज्यादा रेयर में से ब्लॉक में से आता है वो। और यहाँ पे मैंने इसलिए हमारा जनरेटर पोर्टल भी पास ही बना रखा था। तो यार चलते हैं भाई जल्दी से। ओके लेट्स गो। ओके, तो यहाँ पर अब मेरे को जल्दी से ढूंढनी फोर्ट्रेस। तो भाई जल्दी से मैं फोर्ट्रेस ढूंढने के बाद तुम लोगों से मिलता हूँ। बाकी मैं उड़ तो सकता हूँ भाई, इजी पीजी है भाई मेरे लिए। और मेरे को फायर से भी कुछ असर नहीं होगा, लावा कुछ मेरे पे डैमेज नहीं होगा, सिंपल है भाई मेरे लिए जीतना यहाँ पर। और देखो तो भाई यहाँ पे मेरे को देखते ही मिल चुके फोर्ट्रेस, तो जल्दी से देखते हैं मैं यहाँ पे उड़ते पहुंच सकता हूँ क्या। एंड ओके, मेरे को पहले उड़ लेना चाहिए था। सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ फोर्ट्रेस के अंदर, और यहाँ पे हमें बहुत सारे विजर्ड स्केलेटन मिलने वाले हैं। लेट्स सी भाई यहाँ पे हमें कितने विजर्ड स्केलेटन मिलते हैं। ओके, विजर्ड स्केलेटन आने लगे, विजर्ड स्केलेटन आने लग गए। लेट द फाइट बिगिन मैन। ओ भाई, यही तो चाहिए था यार, लेट्स गो। चलो भाई तुम लोग को दिखाता हूँ भाई, आग का जलवा दिखाऊंगा आज तुम लोग को। ये लो भाई, तुम्हें आग का खेल दिखाता हूँ मैं। तुम लोग मेरे फायर के आसपास तो जा ही नहीं सकते। ये लो भाई, तुम्हें जला जला के मारूंगा मैं। ये लो, एक हिटके हो भाई तुम लोग, एक हिटके, सही में कसम से एक हिटके हो तुम लोग बस। और तुम लोग ये खा सकते हो। ऑलराइट, कैसा लगा रहा है, कैसा लगा? अब टाइम है मेरे स्पेशल स्लैश का। ये लो भाई, इतने सारे विजर्ड स्केलेटन की मेरे को आत्मामयी बलि चढ़ानी पड़ेगी इन सब की एक स्केलेटन स्कल के लिए भाई। तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपना पूरा इन्वेंटरी एक बार खाली कर देता हूँ, क्योंकि अगर जस्ट इन केस अगर वो आ भी जाए मेरे पास स्केलेटन स्कल, तो फिर मेरे को पता चल जाए। ओके, बर्न आउट। और भाई सब मैंने एक ही बार में पूरे के जला के रख दिया। एंड यहाँ पे इनके स्पॉनर लगे हो रहे, ये तो कॉमन नहीं है भाई माइनक्राफ्ट के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है। मेरे एम्बर इंसेक्ट जाएंगे और इन्हें ढूंढ के लाएंगे। ढूंढो भाई इन्हें, ढूंढो। ओके, जितने भी छुपे बैठे होंगे वो भी मर गए होंगे इससे। तो जैसे मैंने एक्सोलोटल का दिखाया था ना पहले वीडियो में, वैसे कुछ कुछ मेरे पास अभी भी है, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ उसे मैं सबसे लास्ट में यूज करूँ। आई थिंक इनका ड्रॉप करने का 1% चांस है, तो मेरे को 100 विजर्ड स्केलेटन की बलि चढ़ानी पड़ सकती है, या तो हो सकता है 150 भी। ओके, तो भाई बहुत हो गया, अब मैं काम करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे। ओके, सबसे नीचे आऊंगा अभी। ओके, तो मेरे प्यारे स्केलेटन, अब तुम लोग को जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर एक ऐसा अटैक करने वाला हूँ जिससे तुम लोग का पूरा घर उजड़ने वाला है। ओके, ये रहे, ये लो। ओ भाई, पूरा एरिया मैंने बना दिया हमारी मैग्मा का। एंड अब ये लोग जो ऑटोमेटिकली मरते जा रहे हैं। एंड यहाँ पर मेरे को कहीं मिलने वाला हमारा स्केलेटन हेड। ऑलराइट, मिल जा। कहीं पर भी नहीं है यार, व्हाट द हेल। अरे समन होना यार, जो भी समन हो रहे हैं। एंड ओ नो भाई, टाइम खत्म हो गया, बहुत सही, लेट्स गो। अरे वेट अ मिनट यार, मेरे को पहले से मिल चुका था, तभी मेरे को नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मेरा काम तो यहाँ पे हो चुका है, तो एक काम करता हूँ मैं, जाते जाते ना यहाँ पर पूरे इस हमारे इस क्या कहते हैं इसे, आई थिंक हाँ, फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय करके जाऊंगा। ओके, एक भी विजर्ड स्केलेटन अभी तक नहीं आया है। अब टाइम है तुम लोग का घर डिस्ट्रॉय करने का, तो मेरे मैक्सिमम म्यूटर। ऑलराइट, बहुत ज्यादा, इतना भी नहीं डिस्ट्रॉय करना तेरे। ऑलराइट, एक और मैक्सिमम मीटियोर के लिए तैयार हो जाओ। और ये गया हमारा एक और मैक्सिमम मीटियोर भाई, से लावा तक दूर हो जाता मेरे से। नाइस भाई, इसे कहते हैं भाई फोर्ट्रेस की ऐसी तैसी करना। सो यार अब हम लोग चलते हैं वापस से, एंड देखते हैं कि आखिर विजर्ड स्केलेटन की असली शक्ल कैसी दिखती है। ओके, कहाँ गया हमारा विजर्ड स्केलेटन? ये रहा, ये ले। और ये रहा हमारा ओरिजिनल विजर्ड स्केलेटन। अरे घोस्ट राइडर,
भाई विजर्ड स्केल्टन लग नहीं रहा मेरे को, लग रहा है घोस्ट राइडर है, लेकिन कोई बात नहीं भाई। वेल हाँ, हमारा विजर्ड स्केल्टन नेदर में रहता है तो आग वाग उसके पीछे है, लेकिन ऐसा लग रहा है उसकी खोपड़ी से निकल रही बिल्कुल घोस्ट राइडर की तरह। अगर तुम लोग को भी घोस्ट राइडर का लग रहा है तो भाई अभी कभी मेरे को बताओ कमेंट के अंदर। एंड या अब भाई सिर्फ ना सिर्फ ओपी ओपी मॉब्स बचे हुए हैं, एक तो हमारा ब्लड वार्डन, आयरन गोलम, हीरो ब्रैन और एक मिस्ट्री वाला। तो अभी हम देखते हैं ब्लड गोलम को हराने के लिए, ब्लड वार्डन को पाने के लिए हमें लगेगा ब्लड ऑफ हेडीज, और ये वाला ब्लॉक जो है ओरिजिनल माइनक्राफ्ट में नहीं है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक खतरनाक मॉब को हराना पड़ेगा और वो भी नेदर में जाके। तो भाई ये करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड आई थिंक अब मेरे पास जो है विदर स्केलेटन की पावर आ चुकी है थोड़ी बहुत, तो अब मैं जो है उसकी पावर्स को यूज करके ना उसे भी हरा सकता हूँ आराम से। तो यार लेट्स गो इन द नेदर। ओके अब हम चल रहे हैं नेदर के अंदर। ऑलराइट चलो भाई हम आ चुके, बाहर निकल रहे हैं ये। चलो अब यहाँ पे मेरे को नेदरराइट मॉन्स्ट्रोसिटी का अड्डा ढूंढना पड़ेगा और वहीं पे उसके पास ही में मेरे को मिलेगा हमारा हेडीज का ब्लड। अरे हमें मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ यार, मैं उड़ सकता हूँ, रुको भाई। ओके तो भाई लोग इसी जंगलों के बीच में हमें कहीं मिलने वाला हमारा नेदरराइट मॉन्स्ट्रोसिटी कहाँ रहे। ओके यहीं कहीं, ओके भाई ये उसका रुइंड सिटाडेल आई थिंक यहीं कहीं मिलता है वो भाई ये बन रखा ना अरिना। अरे मिल गया रे, लेकिन मैं जाऊँ कैसे वहां पर, ये समस्या यार बहुत बड़ी। अरे यार अभी गिर जाता मैं लावा में। ओके मेरे को वहां तक जंप मारनी है आई थिंक। मैं हवा में कूद सकता हूँ ये। ओके मैं हवा में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, मैं कूद सकता हूँ भाई। व्हाट कैन आई नॉट डू। एंड ओ भाई साहब जाग गया ये तो। ऑलराइट ओके लावा गिरा रहा है रे भैंस की। रुको मेरे पास एक शेडो टेक्निक है, मैं एक सफेद कुत्ते को समन कर सकता हूँ। जा रहे लड़ मेरी तरफ से। अरे मेरे को मार रहा है क्या, यहीं पे क्यों खड़ा रहा है। अरे मैं जल रहा हूँ भाई, पता नहीं कैसे इसका लावा बहुत ज्यादा ही गर्म है। ओके ये ले इसे मार। ओके भाई सफेद कुत्ता किसी काम का नहीं था, ये ले काला कुत्ता जा गो। ओके मार इसकी भैंस की। ओके थोड़ी हेल्थ जा रही है। नाइस। मार आराम खोर को। रुको एक उल्लू को भी बुलाते हैं, ये लो मार इसे मार। ओ नो ओ भाई रुको। आई एम फास्ट मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ लिटरली। ओके ये ले टोड। ओ भाई नहीं छोड़ मेरे को। ओके बच गए। ओके भाई साफ। ओके ये ले मैक्स एलिफेंट। लेट्स गो। ओके सारे जानवर भरती है भाई मैंने यहाँ पर। ओ वेट अ सेकंड, इसकी हेल्थ दोबारा से कैसे बढ़ गई। रुको यार लगता है मेरे को अपनी दूसरी और स्ट्रॉन्गर एबिलिटीज को यूज करना पड़ेगा। मैं थोड़ा यहाँ पे दूर हट जाता हूँ, मेरे कुत्ते लड़ रहे हैं, आई थिंक मेरे जानवर लड़ रहे हैं। अरे भाई पूरी जगह पे लावा कर दिया भाई मैं तो। ओ नो ओके रुको। आई थिंक ऑलराइट और कोई रास्ता नहीं है। ये ले मेरा डार्कनेस, ये मैंने विजर स्केलेटन से सीखा है। ओके सो इस एरिया में जो है मेरी ये कुत्ते जो है इनफाइनाइट टाइम समन होते रहेंगे बिल्कुल ऐसे, और इसको जो है बजाते रहेंगे भाई इसमें बेसिकली यार। ओके मैं तब तक यहाँ पर ऐसे अपना डॉज करता रहता हूँ। ओके मारो साले को, मारो गिरा के मारो आरामखोर को मारो, बचना नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। अरे हाँ मारो ढंग से मारो, सारे गिर जाओ, लग जाओ भाई सबके सब। ओके एक और को बुलाता हूँ। ओके मर गया फाइनली मर गया। Yeah, let's go. Yeah, भाई इसने खतौड़ा दिया। एंड अरे कौन था वे, वो देखो भाई हाथी बबड़ा गया। ओके सो ये पड़ा हमारे ब्लड ऑफ हेडीज। Yes, let's go. Okay, चलो भाई मैं यहाँ से कूद के चलता हूँ भाई बाहर। ओके चलो let's go. ऑलराइट तो अपना हेडीज का ब्लड कलेक्ट करना तो बहुत ज्यादा सिंपल था, बहुत ज्यादा। तो एक काम करते हैं यहाँ पर जाते हैं, इसके अंदर डाल लेते हमारा ब्लड ऑफ हेडीज एंड लेट्स गो। और ओ भाई साहब इतनी ज्यादा क्रीपी पेंटिंग भाई, रुको तुम लोग को सही से दिख नहीं रही होगी, ये देखो भाई कितनी ज्यादा अजीब सी यार क्रीपी पेंटिंग है ये। ओ नो भाई यार ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है रे ब्लड वार्डन। आई थिंक भाई ये हमारे जो ओरिजिनल वार्डन है उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा भाई साहब। इसके देखो यार हर तरफ ब्लड ही ब्लड है। एंड ये देखो भाई इसका मुंह कितना ज्यादा अजीब सा लग रहा है यार शिट। ओके सो ये तो हो गया, अब हम लोग को जाके देखना है कि हमारा आयरन गोलम रियल लाइफ में कैसा लगेगा, और इसके लिए मेरे को लगेंगे 10 आयरन ब्लॉक्स। आर यू सीरियस भाई 10 आयरन ब्लॉक्स व्हाट द हेल। तो आई थिंक भाई पीछे एक विलेज है, तो अभी और आयरन गोलम समान हो गए होंगे क्योंकि मैं इस वर्ल्ड के अंदर बहुत देर से खेल रहा हूं। तो देखते हैं भाई जितने भी आयरन गोलम समान हुए हैं उनको हम एक बार मार के देखेंगे। और बाकी मैंने जो है ब्लड वार्डन की भी थोड़ी बहुत एबिलिटी सीख ली है क्योंकि अब मेरे पास आ चुका है ब्लड मैनिपुलेशन। तो मतलब मैं चाहूं तो मैं अपने बॉडी का ब्लड निकाल सकता हूं। एंड ये जो मेरे आसपास दो लड्डू से निकले हैं ना, इनका यूज करके मैं जो है ना काफी सारे ब्लड वाले अटैक्स कर सकता हूं। एंड अभी मैं तुम लोग को दिखा दूं ये आखिर चीज कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। ओके कहाँ आयरन गोलम, और ये रहे भाई यहाँ पे भरे पड़े हैं भाई 3-4-5 आई थिंक बहुत सारे आयरन गोलम है। ओके ये है मेरा पहला अटैक, और इसमें तो नॉर्मली मैं एक बार ये ले स्लाइसिंग एक्सॉर्सिज्म। ओ भाई एक स्लैश के अंदर गया भाई पूरा आयरन गोलम। ओके ये ले कन्वर्जेंस, और इसका यूज करके मैं ऐसे लड्डू बना लेता हूँ हमारे ब्लड के। ये ले सुपरनोवा, एक साथ एक ही अटैक में दो दो गए। वैसे ये मैं बहुत कूल डाउन है इसमें,
स्लैशिंग एक्सॉर्सिज्म, लेट्स गो भाई, काफी ज्यादा मस्त है। एंड ये ले पियर्सिंग ब्लड, और ये भी गए भाई साहब एक स्लैश के अंदर दो तीन, अगर ये सब चिपके हुए खड़े रहते ना तो आई थिंक मैं पांचों के पांचों को एक साथ मार सकता था, बट एनीवेज। लेकिन इन सबको मारने का मेरे को मिले सिर्फ और सिर्फ 21 इंगट, जिनमें भाई ज्यादा स्टैक्स नहीं बन पाएंगे, मेरे को आई थिंक 10 ब्लॉक्स चाहिए। तो एक ब्लॉक बनाने के लिए आई थिंक लगते हैं पूरे 9 आयरन इंगट्स आई गेस, तो इसलिए मेरे को 10 ब्लॉक्स लगाने के पूरे 90 चाहिए होंगे, मतलब एक से ज्यादा स्टैक भर के। तो वैसे मेरे पास एक काफी ज्यादा मस्ट अटैक है जिसे मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, एक बार तुम लोग को यहीं पे करके दिखा देता हूँ। लेट्स गो, थोड़ा सा दूर करता हूँ यहाँ पर, नहीं तो हमारी पेंटिंग्स भी उड़ जाएंगी। और लेट्स, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है तो इसके आसपास करके दिखाता हूँ तुम लोग को। तो ये लो भाई मेरा मैनेवलेंट श्राइन, और बेसिकली इससे मैं बहुत बड़ा ये समन कर देता हूँ जिससे आसपास की सारी चीजें ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और भाई इसका रेडियस बहुत बड़ा यार, सही में आई थिंक 100 ब्लॉक्स दूर है। एंड ये देखो भाई पूरी 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 बिल्डिंग उड़ गई भाई बिना कुछ ही मिनटों में, भाई लिटरली खत्म, भाई खत्म गया, टाटा बाय बाय। तो यार इसका यूज करने के बाद ना जितने भी इस बिल्डिंग में ब्लॉक्स होंगे वो सारे के सारे में इन्वेंटरी में आ गए हैं। अब इसी को मैं जो है अंडरग्राउंड जाके एक बार ट्राई करूंगा हमारे माइनशाफ्ट के अंदर, एंड देखते हैं हम लोगों को कितने सारे आयरन ओर मिल जाते हैं। वैसे चला गया भाई, और देखो भाई यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं और आधे तो इनमें से मेरे इन्वेंटरी में भी आ गए हैं। तो लेट्स गो भाई, चलो नीचे चलते हैं एक बार। अरे यार मैं भी भाई अजीब बात कर रहा हूँ यार, मैं बार बार ऐसे स्विमिंग करके क्यों जाऊँ भाई। ये मारो एक अटैक और ये लो भाई नर्क तक का रास्ता बन चुका है। एंड आई थिंक अब मैं कोऑर्डिनेट देखूंगा कहाँ तक हमारे आयरन गोलम आयरन इंगट्स मिलते हैं। आई थिंक यहीं अराउंड मिलते हैं, थोड़ा और मैं नीचे जाता हूँ। ये लो एक और बार, ओके आई थिंक हाँ अराउंड इन्हीं ब्लॉक्स पे मिलते हैं हमारे आयरन इंगट्स। और टाइम है दोबारा से हमारा अटैक करने का, और ये आ गई हमारी श्राइन। लेट्स गो, एरिया क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। हाँ भाई क्लियर करो पूरा एरिया क्लियर होना चाहिए, पूरा एरिया क्लियर हो रहा है धीरे धीरे एक एक करके। नाइस। ओ भाई देख सकते हो यार पूरा एरिया क्लियर होता जा रहा है, जहां जहां मैं देख रहा हूँ वो जगह क्लियर होती जा रही है। देखो गोल्ड ब्लॉक भी दिख रहा है मेरे को, और यहाँ पे पानी भी आ गया। शिट, अरे पानी क्यों आ रहा है रे, ओ नो। ओके बस इतना ही था। वो देखो आयरन थोड़े बहुत मिल चुके हैं मेरे को, और गाइज हमारी इस एबिलिटी की वजह से हमारे पास आ चुके हैं भाई पूरा और भर चुका है यार, गोल्ड डायमंड सब कुछ आ चुका है यार मेरे पास। तो यार बहुत सही, एंड मेरे पास आई थिंक आयरन और भी बहुत आ चुका है भाई, इतना मोर देन इनफ है मेरे लिए। अब मैं काम करता हूँ इन्हें जल्दी से स्मेल्ट कर लेता हूँ और ले जाता हूँ भाई हमारा आयरन गोलम की इमेज देखने। तो गाइस मेरे को यहाँ पे कहा था 10 आयरन ब्लॉक्स लाने के लिए, लेकिन मैं आ चुका हूँ यहाँ पे 15। तो देखते हैं भाई हमारे आयरन गोलम की इमेज कैसी होने वाली। तो एक मिनट, ये ले 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज्यादा पूरे डाल दो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अमीर है बहुत हम। ओके भाई दिखा कैसी इमेज है तेरी असली में। भाई तुम लोग देख सकते हो कितनी अजीब सी इमेज लग रही है, लेकिन एक मिनट मैं इस इमेज को जो है ना अपने एक बार कंप्यूटर में डाल के ना थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो तुम लोग को एक्चुअल इमेज दिख जाएगी। वैसे इसमें तो भाई इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें जो है माइनक्राफ्ट के कलर्स दिख रहे हैं, लेकिन काफी सारे इसमें छोटी छोटी एचडी वाली डिटेल्स हैं जो कि हमें नहीं दिख पा रही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और रेड, तो अब हम लोग को जाना पड़ेगा हीरो बैंक को कलेक्ट करने के लिए, 3 रेड स्टोन, 3 गोल्ड ब्लॉक्स और योरू। तो वेल इससे पहले जो मैंने ना अपना लास्ट वाला चैलेंज किया था आयरन गोलम को बुलाने के लिए, और मैंने जो मेलोवेरिएंट श्राइन बुलाई थी उसकी वजह से मेरे को रेड स्टोन और गोल्ड ब्लॉक्स तो काफी सारे मिल चुके हैं, और अब इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लास्ट वाली चीज बची है ना योरू, ये काफी ज्यादा मुश्किल से मिलती है, क्योंकि ये जो है ना वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन मीहॉक के पास में है, ये उसकी स्वॉर्ड का नाम है। तो अब मेरे को उसे हरा के उसकी स्वॉर्ड जीतनी पड़ेगी बेसिकली। तो अभी मैं जो जाने वाला हूँ उसे हराने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरे को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने लिए। ओके तो हमें मीहॉक को हराने के लिए मैंने भी थोड़ी बहुत स्वॉर्ड स्किल सीखी है, जैसे वही भाई तुम्हारी पुरानी वाली। तो ये है मेरा जंप स्लैश, और ये मेरा स्ट्रॉन्ग स्लैश भाई, ये नॉर्मल बेसिक वाली पावर्स। तो ये सब कितना तो भाई बेसिक है यार उसे हराने के लिए। तो अभी देखता हूँ भाई वो समुद्र में कहीं रहता है। तो भाई साहब ये देखो यार उसका घर कितना बड़ा है भाई, अरे भाई इतने सारे मॉब समन रखे। रुको मैं जाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले। ऑलराइट ओके मैं आ चुका हूँ यहाँ पर फाइनली, एंड आ जाओ ये लो जंप स्लैश। एक जंप स्लैश के अंदर सारे टट्टू को तो मैंने मार दिया, एक ही स्लैश के अंदर ये भी गया। ओके अंदर जाके देखते हैं। हेलो कोई है भाई साहब? ये जगह कितनी मस्त है यार, एकदम आलीशान यार। ओके चलो भाई ऊपर चल के देखते हैं यहाँ पर। भाई साहब कितनी ज्यादा सीढ़ियां यार, मैं तो एक ही दिन में पतला हो जाऊंगा। रुको अच्छा ये तो आई थिंक शेफ वगैरह का रूम है। नाइस वाइन वगैरह मिलती है यहाँ पर। ये लेट्स गो भाई, महंगा सामान ऑब्वियसली बात है भाई, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन है ऐसी जगह पे तो ऑब्वियसली रहता। और ये देखो भाई बाहर का व्यू कितना तगड़ा है। हेलो कहाँ है भाई तू? और ये देखो भाई पूरा गोल्ड का यार, कसम से यहाँ पे डाका मार लिया तो भाई गया भाई, अंबानी फेल है भाई अगर मैं यहाँ पे डाका मार लिया तो। मेरे लिए तो रुक जाता भाई, मैंने फाइनली से ढूंढ लिया एंड ये मेरे को कुछ कर नहीं रहा है। ओके अब आ जाना, अब लड़ ले भाई, मेरे को तेरी स्वॉर्ड चाहिए यार, मेरे को स्वॉर्ड चाहिए बस तेरी। ऑलराइट कोई नहीं, तू भी मारेगा स्लैश, मैं भी मारूंगा स्लैश, ये ले। ओके भाई कुदा दिया भाई, रुको आ जा लड़ ले ये ले जंप स्लैश। ओके नहीं
रुको भाई, बिल्कुल एज पे लड़ना पड़ेगा, पूरा एरिया हमारा ही है। पहले स्ट्रॉन्ग स्लैश कर रहा है, रोटेट स्लैश। ओके भाई, इसे कुदा के मारूंगा मैं, एंड इसे फाइनली मैंने पानी में डाल दिया है। अरे ऊपर तो आ जा, हाँ चलो आगे, ऊपर आगे, ऊपर आगे, लेट्स गो। ओके ये तेरे जमीन के पूरे तेरे पैरों तले जमीन ही खिसकाता रहूंगा मैं, तू आ जा, खड़े तो होके दिखा ले तू एक बार भाई। ये सोर्ड दे दे बस एक बार मेरे को, तेरे को जाने दूंगा मैं कसम से। पर भाई तू भी लातों का भूत है, बातों से काम आने का, तेरे पे बरसाता ही रहूंगा मैं। रुको भाई, मैं एक काम करता हूँ, अपने लिए परफेक्ट अरीना बनाता हूँ इस पूरी जगह को क्लियर करके। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्स में तेरे को, रुको अभी मैं तेरे को बताता हूँ, पहले यहाँ पर आ जाते हैं। ओके चलो भाई, और थोड़ा एरिया क्लियर करते हैं एंड लेट्स गो। अब तो भाई ये परफेक्ट एरिया बन चुका है हमारी लड़ाई के लिए, एंड वो देखो भाई कहाँ कूद रहा है आराम को। ओके अब होगी भाई असली युद्ध, अब असली लड़ाई चालू होने वाली। ये ले वर्टिकल स्लैश का, ऑलराइट भैंस की, अब तो ये गया यार। ए जंप स्लैश का। ओके सो अब हमें जो है पानी की कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, कोई कहीं पे भी लड़ सकता है। मेरे को चुपचाप अपनी स्वॉर्ड दे दे भाई, बस एक काम है मेरे को, ये अभी मेरे स्लैशेस के सामने से कैसे टिक पा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे स्लैशेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर भी कैसे टिक पा रहा है, बार बार पानी में गिरे जा रहा है भाई, तेरे में अकल ना है क्या? ये ले, ओ ओ एक स्लैश भाई, एक स्लैश गया भाई कसम से ये। और जरा देखो तो ये क्या मिल चुकी है हमें, योरू मिल चुकी है भाई। भाई कितनी ज्यादा मस्त स्वॉर्ड मिल चुकी है मेरे को, मतलब इसका कलर भी एकदम, मैं लेटा क्यों जा रहा हूँ रे। ओ अरे ये क्या हो गया मेरे को, ओके फाइनली फाइन। मतलब भाई इसका अटैक देखो यार, कितनी ज्यादा मस्त एनिमेशन है, लेकिन अफसोस हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे दोबारा से, इसे देना ही पड़ेगा यार, बट कोई बात नहीं। ऑलराइट तो अब घड़ी आ चुकी है भाई हमारे बलिदान देने की, तो ये भाई गोल्ड ब्लॉक ले लो। इसने कहा था 3 लेके मैं लाया हूँ 10, इसने कहा था रेड सुन 3 लेके मैं लाया हूँ 10, और ये ले भाई रियोरू, ये तो बहुत ज़्यादा पास थी मेरे दिल के। और अब मेरे को भाई डेफिनेटली देखना है कि आखिर हमारे हीरो ब्रैन असली में कैसा दिखता है। ओ भाई ये कौन है, ये है क्या असली हीरो ब्रैन? अरे शिट भाई, ये तो असली लग रहा है यार, देखो इसकी आंखें देखो यार बिल्कुल वाइट है, और भाई ये देखो यार बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, इसकी भी दाढ़ी है हीरो ब्रैन की तरह, और इसने कपड़े भी हीरो ब्रैन की तरह पहने हैं, तो मतलब ये है रियल लाइफ का हीरो ब्रैन। गाइस अगर तुम लोग को हीरो ब्रैन की इमेज देख के भाई अजीब सा लगा यार, मतलब डर सा लगा, तो फिर अभी के अभी यार कमेंट में बताना मेरे को। एंड या बाकी अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इसका पार्ट 2 आने वाला है भाई 5000 लाइक्स के बाद। एंड या अब बारी हमारी मिस्ट्री इमेज की, जिसके लिए मेरे को चाहिए 10 स्टैक्स ऑफ गोल्ड ब्लॉक्स। तो यार इतनी ज्यादा मुश्किल की चीज नहीं है मेरे पास में, इसने गोल्ड ब्लॉक के स्टैक बोले ना, ओ भाई स्टैक के लिए तो बहुत ज्यादा मेरे को पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन मेरे को एक जगह पता है और वहां पे मेरे को बहुत सारा गोल्ड मिल सकता है। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं हमारी लोकेशन पे जहाँ पे हमें बहुत सारा गोल्ड मिल सकता है, एंड तुम लोग देखते हो हम आ चुके हैं हमारी जगह पे। तो बेसिकली ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये जगह इतनी लाइट है, ये जगह इतनी डार्क है, तो बेसिकली इसलिए क्योंकि यहाँ पर आसमान में एक हवा में स्पेसशिप है। ओके सो अब इसके ऊपर मैं जाता हूँ उड़ के, तो ये पूरी जगह इतनी ब्लैक इसलिए हो रखी क्योंकि इसके ऊपर इसकी शेडो पड़ रही है भाई, तो अच्छा भाई मैं उड़ सकता हूँ, तो अभी मैं उड़ के जाता हूँ इसके ऊपर। एंड यहाँ के पहले राजा को हराता हूँ, जो कि मेरे लिए बिल्कुल चूरन होने वाला है। ओके भाई उड़ के चलो भाई, लेट्स गो भाई। ये देखो तुम इसका एक्सटीरियर देख सकते हो भाई, पूरा ये जगह 100 नहीं तो भाई आई थिंक 90, ओके भाई शिप में वुड भी लगा है, 70% तो गोल्ड की बनी है एटलीस्ट, इसके अंदर भी गोल्ड है भाई, पूरी जगह पे गोल्ड ही गोल्ड है। ऑलराइट कहाँ गया भाई, यहाँ का एक राजा भी है एंड आई थिंक ये रहा नीचे, ओके नीचे है, चलो 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 ये रहा। ओ हेलो, ओके ओना ओना बरसा दिया रे, पहले मैं जगह को पूरा खा लेता हूँ। एंड बेसिकली ये ला भाई हमारा राजा, तो बेसिकली मेरे इस वर्ल्ड के अंदर जो भी आ जाता है उसका जो है दिमाग खाली हो जाता है, मतलब बेसिकली ओ ये कैसे अटैक कर पा रहा है। चलो कोई ना, इसके ऊपर मैं अपने थोड़े बहुत फायर अटैक्स बरसा देता हूँ एंड एक ही पंच के अंदर ये गया। ओ ओ ओ वेट अ सेकंड गाइस, ये क्या बन चुका है, ये तो गॉड बन चुका है भाई लिटरली, देखो भाई इसका मुंह देखो भाई, गॉड लग रहा है ये तो, लेकिन आई थिंक ये, अरे फुस्सी बम भाई एक ही पंच के अंदर गया। एंड ये जगह अब नॉर्मल हो चुकी है, एंड अब जो है इस जगह पूरा गोल्ड मेरा हो चुका है, ये देखो भाई पूरी एरिया का गोल्ड, इतना गोल्ड का टावर भाई, पूरा गोल्ड ही गोल्ड है यहाँ पर। अरे मैं गिर गया रे। ओके भाई तभी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, बट एनीवेज अपना यहाँ पे कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये लो भाई ये ले। ओके भाई एक छेद तो कर दिया मैंने यहाँ पर, और ये गोल्ड ब्लॉक को भाई माइन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है मेरे को। ओके तो इस टावर को तो निपटा दिया अब हमने, अब एक काम करते हैं ये जो है इसे भी निपटा देते हैं यार, एक तो मैं गिरता रहा हूं ना भाई क्या। ओके अब इन बाकी इन टावर्स की बारी, लेट्स गो। और यहाँ पे अपना मैनुअल इंस्ट्राइन कर देते हैं, और इससे भाई जो भी आएगा ना आगे, ये लो भाई पूरा एरिया हार्वेस्ट। सही भाई, इससे बढ़िया लाइफ हैक क्या हो सकता है कसम से, ये लेट्स गो। अगर इतने में नहीं हुआ ना काम हमारा, तो फिर भाई दूसरा वाला भी हम ला लेंगे रास्ता, इसे एक बार दूसरी बार भी समन कर दूंगा बेसिकली मैं। एंड ओके काफी सारा गोल्ड हार्वेस्ट हो गया, मतलब आई थिंक भाई आराम से 4-5-6 ब्लॉक्स तो हो चुके होंगे हार्वेस्ट। ओके एक और बार बिल्कुल इस किनारे में धर दूंगा, ये ले।
और ये रही भाई हमारे मेलवोरेंट श्राइन, एंड ये लोग यहाँ का भी एरिया पूरा साफ भाई, हमारे मेलवोरेंट श्राइन ने पूरा एरिया साफ कर दिया भाई। इतना गोल्ड लेके हम कहाँ जाएंगे भाई, भाई शिप तो बिल्कुल खाली है, बस गोल्ड ही गोल्ड था इसके अंदर। ओके चलो भाई यहाँ से काम हो चुका है, अब यहाँ पर हम जल्दी से कूद के जाते हैं स्टाइल से एंट्री मार के, और ये देखो भाई यहाँ तक भाई बिल्कुल सब कुछ मैंने साफ कर दिया है। ओके तो मंगाए थे 10 स्टैक्स ऑफ गोल्ड ब्लॉक्स, अब एक काम करते हैं ये ले। आई थिंक भाई जितने भी हैं तुम लोग मेरे को बता देना कमेंट में जितने मैंने दिए हैं गोल्ड ब्लॉक्स। और ये देखो भाई हॉपर तक में नहीं बन रहे इतने सारे गोल्ड ब्लॉक्स हैं। ऑलराइट तो हमारे गोल्ड ब्लॉक सारे के सारे प्रोसेस हो चुके हैं हमारे हॉपर के अंदर, और ये देखो भाई 10 स्टैक्स ऑफ गोल्ड ब्लॉक के बदले में। एक मिनट भाई, ये तो मेरी स्किन है यार, ये तो मेरी स्किन लग रही है मेरे को, एंड ये मेरे पीछे कौन खड़ा हुआ है, ये तो आई थिंक एलेक्स लग रही है, लेकिन नहीं इसकी आंखें वाइट हैं, ये तो एलेक्स ब्रायन है गाइस। ओ नो, मेरे पीछे एलेक्स ब्रायन क्यों है? और एक मिनट, इस फोटो को देख के लग रहा है यहाँ पर एकदम से बारिश होने लग गई है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स हमें दिख रही है, एंड यहाँ पर मेरे वर्ल्ड में बारिश हो रखी है, इसका मतलब ओह। तो गाइस इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर मैं ऐसे काफी सारे क्रीपी मॉब्स की जो है फोटोज को दिखाएंगे आपको, साथ ही साथ एलेक्स ब्रायन की भी रियल लाइफ फोटो भी आपको दिखाऊंगा। तो उस वीडियो के लिए आपको कंप्लीट करवाने पड़ेंगे मेरे 5000 लाइक्स, एंड या तब तक के लिए मेरी माइनक्राफ्ट की अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज वाली वीडियो देख लेना, बहुत मस्त वीडियो है, अभी एंड स्क्रीन में लिंक आ रहा होगा, नहीं तो आप लोग चाहो तो मेरी हॉन्टेड ट्रेन वाली वीडियो भी देख सकते हो, काफी ज्यादा मस्त है। एंड टिल देन आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।